मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था चैप्टर 3 का। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 अ ग्रेट सिंगर। क्या देखेंगे हम आज? चैप्टर 4 अ ग्रेट सिंगर। सिंगर क्या होता है? सिंगर होता है गाना गाने वाला, जो गाना गाता है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? सिंगर। तो आज इस चैप्टर में हम एक सिंगर की बात करेंगे, फेमस सिंगर की, जिनका नेम है सुनिधि चौहान। क्या नेम है जिनका? सुनिधि चौहान। बहुत फेमस सिंगर है ये। तो हम इसमें बताएंगे, बात करेंगे कि कैसे वो सिंगर बनी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया सिंगर बनने के लिए, कब से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 4 में। चलो लेट्स स्टार्ट। सुनिधि चौहान हैज वर्कड वेरी हार्ड टू बिकम अ सिंगर। सुनिधि चौहान ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी, किसके लिए? सिंगर, गायक बनने के लिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग When she was only 4 years old, उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था कब से? जब वो 4 साल की थी। अब 4 years कितना छोटा एज होता है, 4 years में तो कुछ बच्चे खाना भी नहीं खा पाते हैं, कुछ बच्चे तो स्कूल जाने ही स्टार्ट करते हैं 4 years में। और उन्होंने क्या कर दिया था? सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था 4 years की एज में। When she was 13 years old, she won a वेरी पॉपुलर सिंगिंग कॉन्टेस्ट एंड रिसीव्ड अ ट्रॉफी फ्रॉम लता मंगेशकर। जब वो 13 साल की थी, कितने साल की थी? जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर फेमस सिंगिंग कॉन्टेस्ट शो जीता था एक, और उसमें उनको ट्रॉफी मिली थी। किसके थ्रू? लता मंगेशकर जी के थ्रू। उनको किसने इनाम दिया था उस कॉन्टेस्ट में, शो में? लता मंगेशकर जी ने इनाम दिया था। लता मंगेशकर जी को तो हम सब जानते हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में उनसे मुलाकात कर ली थी, सुनिधि चौहान ने 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी से मुलाकात कर ली थी और उनसे ट्रॉफी भी मिला था उनको। सुनिधि चौहान हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 2000 सॉन्ग। सुनिधि चौहान ने अब तक 2000 से भी ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब सुनिधि चौहान 2000 से भी ज़्यादा गाने गा चुकी हैं अभी तक। She listens to the songs of famous singers and practices regularly. वो क्या करती थी? जो famous singers थे उनके गाने सुनती थी daily, और उनके गाने सुन सुन के वो practice करती थी। She says, my father had struggled and sacrificed for me and I don't want to let him down. उन्होंने क्या बोला कि मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत करी है कि मैं सिंगर बनूं, तो मैं उनको डाउन फील नहीं कराना चाहती, लो फील नहीं कराना चाहती। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ड्यूटी, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको पॉजिटिव रिजल्ट दो। ऐसा नहीं कि आप फेलियर लेके जाओ, फेल होते हैं हम, ऐसा नहीं कि एक बार में ही सब हासिल हो जाता है, हम जो चाहते हैं कि बार में मिल जाए, लेकिन हमें उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमें मेहनत करनी ही है, कंटिन्यू मेहनत करनी है, तो हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो फिर हमारा भी प्रैक्टिस करना डेली उस चीज़ के लिए बिल्कुल जी जान लगा देना भी बनता है। शी लव्स हर फैमिली वेरी मच, वो उनकी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। Her father says, Sunidhi is a wonderful daughter. She loves and respects everyone at home. उनके पापा कहते हैं सुनिधि चौहान के कि सुनिधि चौहान बहुत अच्छी बेटी है एक, और वो सभी को घर पे प्यार करती हैं और रिस्पेक्ट करती हैं सबकी। ऐसा नहीं कि बहुत फेमस सिंगर बन गई, बहुत बड़ी हो गई तो किसी की रिस्पेक्ट ना करे, किसी से अच्छे से बात नहीं करे, नहीं, वो एक अच्छी सिंगर होने के साथ साथ सभी की रिस्पेक्ट भी करती है। सुनिधि इज़ इंडीड अ ग्रेट सिंगर। सुनिधि वास्तव में क्या है? एक बहुत महान गायक है। इंडीड मतलब वास्तव में, क्या है? एक बहुत अच्छी गायक है।
तो इस तरीके से सुनिधि चौहान ने मेहनत की। बचपन से ही 4 साल की उम्र से उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी स्ट्रगल किया, डेली प्रैक्टिस किया, उनके पेरेंट्स ने भी उनके पीछे सेक्रीफाइस किए बहुत सी चीज़ें, तब जाके वो आज इतनी अच्छी सिंगर बनी। जहाँ उनके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया तो सुनिधि चौहान ने भी उनके पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं होने दिया, उसी चीज़ पर काफ़ी मेहनत करी, उसको छोड़ा नहीं, और तब जाके वो आज एक इतनी अच्छी सिंगर बन गई, इतनी फेमस सिंगर बन गई, और आज सभी उनको जानते हैं, सभी उनकी बात करते हैं, और कितने 2000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स वो अभी तक गा चुकी हैं। तो हमको भी हमारी लाइफ में जो चाहिए उसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करना है, और अपने पेरेंट्स की मेहनत को वेस्ट नहीं करना है ना। ये दोबारा से आप भी रीड करिएगा घर पे चैप्टर, और बाकी वर्क करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।